भारत बंद का ऐलान किया हो उसमें क्या शांतिपूर्ण रहेगा? शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, वो बंद ही रहेगा उसमें तो। जब बंद रहेगा तो शांति रहेगा, जब कोई चले नहीं। और किसान से भी ये है कि भाई किसान भी ना जाए उस दिन अपने खेत में, इसमें जाएगा, ट्रैक्टर भी उस टाइम पे बंद रहेगा। ये कराए सब लोग से होकर हम ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे, जो ट्रक वाले हैं या और लोग हैं उनसे भी हम बंद करेंगे और दुकानदारों से भी बंद करेंगे कि उसमें भाई दे। और एक किस्म से ये जो किसान और मजदूर कर्फ्यू है, ये दुकानदार का कर्फ्यू है, इसमें सब लोग साथ दें, ये अपील हम सबसे करेंगे। हमारा वो उस तरह का नहीं, जब बंद रहेगा तो हम सबसे सहयोग की अपील करेंगे। अभी सरकार है नहीं यहाँ पे, सरकार मिल नहीं रही कहीं से, कहाँ है सरकार, जब आ जाएगी तो बात करेंगे उनसे। वहाँ पे जाएंगे, वेस्ट बंगाल 12, 13, 14 का है तो 13 तारीख वहाँ पे रहेंगे, दो मीटिंग करेंगे, नंदीगांव और कलकत्ता में है, दो पंचायत वहाँ पे रहेगी। और हम किसानों से बात करेंगे वहाँ के कि क्या उनको MSP मिल रहा है, क्या उसका लाभ कभी इनको मिला है, तो इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर चर्चा होगी। और कहाँ कहाँ जाने का? अभी तो पूरा कर्नाटक में है और उड़ीसा में है प्रोग्राम, अभी बुंदेलखंड में रहेगा, उत्तराखंड में है, हरियाणा की मीटिंग है, राजस्थान में है, तो ये सारी जगह अभी 4-5 स्टेट में हम अभी कवर कर रहे हैं। और कुछ तो ये है कि आंदोलन चल रहा है, MSP का बड़ा सवाल है, MSP मिल जाएगा तो बिहार के किसान को लाभ मिलेगा, बंगाल के किसान को लाभ मिलेगा, आसाम के किसान को लाभ मिलेगा। ये आंदोलन किसानों का है, मजदूरों का है, दुकानदारों का है। जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है तो मॉल जाएगी, वो बड़े बड़े अपने हाउसेस खोल लेंगी, तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो हमारी खत्म होगी, जो हमारा साप्ताहिक बाजार लगते थे वो खत्म होंगे हमारे। तो अगला टारगेट साप्ताहिक बाजार पे है, 4.5 करोड़ लोग साप्ताहिक बाजार में काम करते हैं, वो सब खत्म होंगे। जो छोटे छोटे दुकान है, जो नक्कड़ पर दुकान जिसने कर रखी, वो खत्म होंगी। तो ये सब लोग से, आम जनता का ये आंदोलन है, इसमें सब लोग सहयोग दें। जिस तरह से गैस के सिलेंडर, डीजल ये बढ़े हैं रेट, और कर्मचारियों की पेंशन खत्म हो रही है, और MPML की पेंशन चल रही है ऐसी की ऐसी, तो भाई जो कानून बना रहे हैं, अगर वे अपने लिए कानून दूसरे बनाएंगे और कर्मचारियों के लिए दूसरे बनाएंगे, तो ये तो देश में अब चलने वाला नहीं है। या तो पेंशन सबकी खत्म होगी या पेंशन उनको भी मिलेगी। ये 26 मार्च का हमारे संयुक्त मोर्चे ने, जो हमारे आंदोलन की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, 26 मार्च के बंद का ऐलान किया है। वो 26 मार्च का बंद होगा, पूरा भारत बंद होगा, क्योंकि आंदोलन के चरण चलते रहते हैं। हमें भी सरकार को संदेश देना है, संदेश देने का काम है, किसी को परेशान करना, किसी का नुकसान करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये सारे फंडे राजनीतिक दल के लोगों ने सिखाए। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो ये भारत बंद और जैसे रोड जाम, रेल जाम सभी करते हैं, और जब सरकारों में आते हैं तो दुनिया की बात करते हैं, लेकिन हमारा किसानों का ये उद्देश्य नहीं है। हम एक संकेत देंगे सरकार को, एक जो भावनाएं हैं किसानों की उसको व्यक्त करने के लिए 26 मार्च को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान होगा, और जिस तरह से हमारी कमेटी बताएगी उस सारे नियमों कायदों का, कानूनों को पालन करते हुए भारत बंद का काम किया जाएगा। नहीं, 26 जनवरी को या 26 तारीख को क्यों ना देखें, 26 तारीख को हम लोग यहाँ आए थे, 26 नवंबर को हम लोग यहाँ आए थे, इसलिए वो 26 मार्च है। 26 जनवरी एक अलग विषय है। 26 जनवरी को जो हुआ उससे किसान आंदोलन बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, सरकार के द्वारा हमको रोड दिया गया था, एक रास्ता दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो रास्ता दिया गया था चौराहे पर भटकाने के लिए, घूमने के पहले ही बैरिकेड लगा दिए, और जो रास्ता सामने को दिखाया वो 3 जगह जाने वाला था, हमको भटकाने का काम किया गया। लेकिन 26 मार्च को जो हिंसा हुई या जिन लोगों ने गलत तरीके से काम किया है, वो चीज़ों से हम लोग बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और जिन लोगों ने किया उनके लिए सजा हो, उनके लिए कानून अपना काम करे, इससे किसान आंदोलन को 26 मार्च की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। साहब ने कहा था कि बातचीत से हल निकलेगा, वैसे नहीं, क्या सरकार ने कोई प्रपोजल दिया है बातचीत का, या आपकी तरफ से कोई प्रपोजल गया है? देखिए, 22 जनवरी के बाद सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया है। वैसे शुरुआत से सरकार ही दिन देती रही, तारीख देती रही और समय देती रही, जगह बताती रही, तो अब तो सरकार को बताना है। जब जब सरकार ने बुलाया, 11 बार सरकार ने बुलाया और 11 बार हम सरकार के बात करने के लिए गए, और अब अगर सरकार बुलाएगी तो हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक कॉल की दूरी पर किसान है, उस कॉल का इंतजार, आज तक किसान को एक कॉल नहीं आई, और जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव भी नहीं आया।
हम लोग जानते हैं कि बगैर वार्ता के समाधान नहीं निकलेगा, सरकार वार्ता का ऑफर दे, हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। जैसे कि देखा जा रहा है पब्लिक पहले से, किसान पहले से कम हो गए हैं, क्या कारण है किसान कम हो गए? ये किसान कम नहीं हुआ, ये हमारी रोटेशन प्रणाली है। इस समय कृषि का कार्य तेजी पर है और हमें खेती भी करना है, आंदोलन भी करना है। खेती इसलिए करना है कि देश की 130 करोड़ जनता का पेट भरना है। वो कैसे पेट भरेगा? तो किसान खेतों में जाकर के काम भी करेगा और बॉर्डर पर जाकर आंदोलन भी करेगा। हमने जो किसान यहाँ पर पहले से थे उनको घर भेजा है और दूसरे किसान उनको शिफ्ट करके यहाँ आ गए हैं। इसी तरह से रोटेशन प्रणाली है, 8-8 दिन के लिए किसान आएगा, ट्रैक्टर लेके आएगा, रुकेगा, वो किसान गाँव में जाएगा, खेतों में जाएगा, काम करेगा, दूसरा किसान जो काम कर चुका है वो यहाँ पर आएगा। काम भी नुकसान नहीं होगा और आंदोलन भी कमजोर नहीं होगा। ये रोटेशन प्रणाली आदरणीय टिकैत साहब ने हम लोगों को दी है और हम लोग उसका पूरा पालन कर रहे हैं। देखिए वेस्ट बंगाल में भी किसान है भाई, वेस्ट बंगाल भी इंडिया में है, किसान वहाँ भी हैं। वहाँ तो जल किसान भी हैं जो मछली पकड़ करके पूरे देश को सप्लाई करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। तो वेस्ट बंगाल जाएंगे टिकैत साहब और वहाँ को किसानों को समस्याओं को जानेंगे, उनकी पूरी समस्याओं को समझेंगे और बताएंगे कि किसानों के प्रति सरकार ने कौन सा रुख अपना रखा है, किस तरह का एटीट्यूड बना रखा है, किस तरह के किसानों को अवॉइड किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बंगाल जाकर के बताई जाएंगी और बंगाल के किसानों की समस्याओं को समझा जाएगा। राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश।